एवरीवन, स्वागत है आपका आज के हमारे ब्लॉग में। और आज है 31 तारीख और सुबह के नहीं है, दोपहर के बज चुके हैं 1:15। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हम इस समय कर रहे हैं। और सिमो सोई हुई थी और ब्लॉग चालू करते ही उठ गई है, ये देखो। तो सिमो उठ गई है और मम्मी लगी हुई है रसोई में कुछ काम करने। क्या काम कर रही है वो आपको पता चल जाएगा। और आने वाले 1-2 दिन में भी कुछ प्लान है हमारे, तो वो आपको फिलहाल हमारे ब्लॉग्स में बने रहिएगा, तभी पता चलेगा, आज नहीं बताएंगे। तो उसके लिए ब्लॉग में बने रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलो अब मैं संभाल लेती हूँ सिमू को और मम्मी कर रही है रसोई में कुछ काम, उसके मैं बनाऊँगी शॉर्ट्स, तो वो आप शॉर्ट्स देख लीजिएगा। और फिलहाल मम्मी बना रही है लड्डू, तो जिसकी तैयारी चल रही है यहाँ पर जोरों शोरों से। जब तक मम्मी बना रही है लड्डू शड्डू, तब तक मैं बना देती हूँ सिमू को निकर, क्योंकि सिमू जो है जब सोई थी तब शू शू कर दिया था उसने, उसके निकर मुकर निकाल दी थी। अब मैं तो ऐसे ही सो गई थी। फिलहाल चलो बाहर चली गई उठते ही, तो निकर बना देती हूँ उसको और मम्मी तैयारी कर दी जब तक मैं सोई। और पता है सिर तो अजीब से होता है। सिमू को निकर नुकर अपने पहना दिया है और मम्मी ने उसमें मिक्सी से अभी कूटे हैं बादाम, तो मिक्सी बाहर निकाल दिए। तो चलो बच्चे कहीं ख़राब ना कर दें, उससे पहले आप मिक्सी अंदर रख देते हैं और न्यूज़ चला रखे साथ में। और चलो पहले ये काम कर लेते हैं, क्योंकि दोनों बच्चे चिपक चुके हैं मिक्सी के, और अगर कहीं गिरा पड़ा दी तो नुकसान हो जाएगा फालतू में। चलो मिक्सी रखेंगे, ये तो चिपक गई। ओ आपने इसकी क्या करा है जो चिपक गई? क्या करा है कितू? कितू बताओ मुझे क्या करा इसके? उल्टे काम क्यों किया आपने? उल्टे काम मुझे बताओ। चिपकी नहीं बेटा, वो उसके नीचे ऐसा लगा ना, इसलिए चिपकी थी वो। चल गई थी मिक्सी। हाँ। ये क्या हो गया था? कैसे? राउंड एंड राउंड। सिमो इसे बंद कर दे पाए, आपको कर दे बंद, इसमें कर दे बेटा बंद, आपको इसमें करी नहीं, कर दो सिमो बंद वहाँ पे। हाँ। नहीं चलो नहीं करते बंद, तो फिलहाल इसी को बंद करते हैं उसके अंदर डब्बे के अंदर इसके। तो कितू चलो हेल्प करो, हेल्प कीजिए। किता पकड़ो भाई, कितू ने पकड़ लिया है कैमरा, अब कितू करेगी शूट, तो कैसा करेगी मुझे भी नहीं पता है। फिलहाल ऐसे पकड़ो बस। मैंने कितू को दे दिया है कैमरा ऑन करके, मैंने कहा था कि तू मैं दिख रही हूँ, कह रही हाँ मम्मी आप दिख रहे हो। और मैंने जब मैं सोचा चल मैं डाल रही हूँ ना, वो दिखता रहेगा आप लोगों को, इसने क्या करा कैमरा बंद कर दिया और ऐसे देख रही थी मुझे और कह रही मम्मा आप दिख रहे हो। और मैं भी खुश हो रही थी कि मेरी बेटी मेरी वीडियो बना रही है। पोपट बना दिया कितू आपने तो मुझे ही है। तो कितू ने आज कल जो लड्डू की तैयारी करी थी अपनी, वो बन के हो चुके हैं तैयार। तो मम्मी सोची थोड़े से लड्डू बना लेंगे और थोड़ी सी बर्फी जमा लेंगे। तो बर्फी के लिए मम्मी ने जो है थाली पे घी लगा लिया है और थोड़ा सा इसमें जमा देंगे, थोड़े से बना लेंगे बर्फी और थोड़े से बना लेंगे लड्डू। और फिलहाल तो पहले इसको ठंडा होने देना अपने, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है ये, तो गर्म के तो लड्डू बनेंगे नहीं। बर्फी के लिए तो हो सकता है, फिर भी स्प्रेड इसके अंदर क्यों ठंडा हो जाएगा फिर। और फिलहाल अब इसमें चीनी डालनी बाकी है, चल चीनी डाल लेते हैं। करते हो सिमे देखियो, ओ राम सारे घर में क्या कबाड़ मचा दिया। सिमो तुम ऐसे उल्टे काम क्यों करती हो? मेरे पैर का भी लगा दी, ये गंदी बच्ची होगी ना कितू, है ना? इसको बोलो कह दो ऐसे काम नहीं करते, मम्मा को नानी को परेशान नहीं करते हैं, कह दो नहीं करते हैं। सिमो सिमो लाए नया फ्रिज, आपको आज होश आया है कितू? हाँ। फ्लावर फ्लावर तो नानी क्या बना रही है? बेसन के लड्डू बना रही है, आपको अच्छे लगते हैं सच्ची, लेकिन हम आपको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे हम, है ना सिमू? ये क्या होता है, यू कहते हैं मम्मा खाऊंगा मैं तो, प्लीज दे देना मुझे, ऐसे बोलते बेटा। मम्मी ना इधर कढ़ाई ले आई है, तो दोनों बच्चे ना झूम गए यहाँ। सिमू दूध पी रही थी, दूध पीता पीता छोड़ के हट गई और बैठ गई है, और कितू भी यहाँ बैठ गई है अपनी चिज्जी सामने देख के। क्या है कितू ये? चिज्जी है सच्ची, इधर देखो किसकी चिज्जी है ये? चिज्जी।
फिलहाल ये गर्म है अभी, तो इसलिए हम बच्चों को दूर का है कि रहना इससे, कि कहीं हाथ लगा ले गर्म गर्म के। और मम्मी जो बचा हुआ है इसका बना देगी मम्मी लड्डू। मैंने बोला कि छोटे छोटे लड्डू बनाना। ये देखो नानी के साइडों में बैठ के दोनों बच्चे खाने के चक्कर में। हम दोनों। हाँ जी आप और सिमू। आप और सिमू। हाँ जी। मैं भी। हाँ जी आप भी। मैं भी। बिल्कुल। आप भी। और मिक्सी जो है वो उठा के रख देती हूँ मैं, क्योंकि मिक्सी का काम अपना हो चुका है कम्प्लीट। देखो मेरा चप्पल चुप्पल उठा के अंदर से मार लिया ही है। और ये रसोई की देखो क्या हालत करी है। सांस गिर गई। मुंह बालो मुंह बालो। ओ देख बाल लिया सिमू ने तो। आ कर रहा सिमे कड़छी डालेंगे तेरे मुंह में। बेटा गर्म है अभी। गर्म है गर्म है गर्म है सिमू। थोड़ी देर में दे देंगे ठीक है, आप ही के लिए बना रहे हैं। दो बज चुके हैं तो अब टाइम हो चुका है खाना बनाने का। तो फिलहाल चलो अब रोटी बना लेते हैं, क्योंकि मम्मी का किचन वाला काम हो चुका है कम्प्लीट। तो अब खाना बनाने की तैयारी करते हैं। खाना बन चुका है और फिलहाल अपना खाना हो चुका है तैयार। तो आप अभी खा लेते हैं खाना। मम्मी ने खा लिया है, मैं खाऊंगी अभी। कितू बाहर बैठे, कितू आ ही नहीं रही। और सिमू को खिला देती हूँ। सिमू बैठी है मेरे पास में फिलहाल। किस आप मैथलो में? वो कौन सी मैथलो है वहाँ पे? और मम्मी को देखो वहां उठा जा जा के खिलाना पड़ रहा है खाना बच्चों को। हाँ जी गाड़ी में हो? अच्छा फोन पे बात कर रही है मेरे साथ। ये फोन में बात कर रहे हो किता? ये क्या हो गया? काटूं? अरे कौन सा काटूं आ गया? ये कौन सा काटूं है? चलो अब खाना खा लेते हैं। कितू को करने दो अपनी एक्टिंग, क्योंकि वो एक्टिंग कर रही है फिलहाल अभी। तो इसका काम अपने ने कर लिया कंप्लीट, मतलब खाना बनाया। अब बर्तन साफ करके गैस घूस कर दिया है साफ। और यहाँ मम्मी ने बोला है, मम्मी को मैंने बोला था अभी सिमू को पहना देगी निक्कर। सिमू को निक्कर पहना दिया है। और कि तू नानी की सेम सेम कर रही है गंदी बच्ची। नानी ने तो कपड़े पहने हुए हैं। नानी ने भी पहने हुए हैं, सिमू ने भी पहने हुए। गोदी गोदी नहीं देने बेटा। पोछा लगाना, वो सॉरी झाड़ू लगाना रह गया यहाँ पे। तो मैं 5 मिनट का रेस्ट करके फिर लगाऊंगी। शाम के बच्चों के 5। मैं थोड़ा सा लेट गई थी, लेटी भी नहीं रही भी नहीं हूँ, बस सिमू साथ में ही तंग सा करती रही। और अब फिलहाल शाम के 5 बज चुके हैं जैसा कि। और अब झाड़ू लगा लेती हूँ मैं। मौसम भी हो गया ख़राब, हवा से चलने लगी थोड़ी सी तेज। और मम्मी ने कपड़े उतार के पीछे टेबल पे रख दिए हैं। तो फिलहाल पहले लगा लेती हूँ झाड़ू। और मम्मी को बोला है कि चाय बना लेगी, चाय वाय पी के फिर कपड़े प्रेस करूँगी। देख रही हूँ किरत सोई है और समृत खड़ी है। शिमू और सिमू ने देखो नमकीन खा के क्या हाल कर रखा है नीचे। वहाँ चम्मच कटोरी फेंक रखी है, पॉपकॉर्न फेंक दी है। तो इसलिए अब झाड़ू लगा लेते हैं। पहले लगा दिया अपने ने। और अब देखो बारिश हो गई है स्टार्ट। इस बार तो मतलब गर्मी आने का नाम ही नहीं हो रहा, जैसे बारिश स्टार्ट हो गई है दोबारा से। ये देखिए आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, तो बारिश हो गई है स्टार्ट फिलहाल। मम्मी को बोल दिया मैंने चाय बनाने के लिए, मम्मी ने चाय रख ली है। और मैं देखती हूँ तो मैं कपड़े तय कर देती हूँ फिलहाल। और फिर मम्मी और कर रही है पैकिंग। किसके लिए कर रही है मम्मी और पैकिंग? ये आपको मैंने बताया ही था कि आने वाले कुछ व्लॉग्स में पता चल जाएगा। सिम उठो मकती फिर रही है इधर से उधर, उधर से इधर। इसके पास कोई काम धंधा ही नहीं है, बस यही है मेरे को परेशान करने का ही काम ले रखा अभी तो फिलहाल सिमू ने। ऐसे ही घूम रही इधर से उधर, उधर से इधर। शाम के बज चुके हैं 7:30। और बच्चों से छुपते छुपाते मैं जा रही हूँ मेडिकल शॉप पे, क्योंकि मम्मी के सर में दर्द हो रहा है। पेन किलर मैंने अभी देखी तो है ही नहीं थी घर पे, तो इसलिए चलो मार के ले आती हूँ मैं दवाई। बारिश हुई है तो गलियों की हालत बेहद खस्ता हो रखी है। पानी 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 भरा हुआ है, बड़ी दिक्कत हो रही जाने में। पूरी गली हो चुकी है इस तरीके से कुछ। तो यहाँ पे चाहिए थी मुझे जो दवाई, वो ले रही हूँ मैं फिलहाल। और दवाई ले आई हूँ मैं, और दवाई लेके आई रोडों पे इतना भयानक कीचड़ है ना, इतना भयानक कीचड़ है कि पूछो मत। ऊपर से ट्रैफिक, मतलब
कीचड़ और ट्रैफिक दोनों ने हद मचा रखी है। और फिलहाल मैं लगाने जा रही हूँ जोत, और मैं जोत लगा रही हूँ उससे पहले सिम्मू आगे खड़ी होगी, जैसे पास से पता चल गया कि भाई जोत लगाएंगे अब, इसलिए पहले ही आगे खड़ी होगी, पहले ही काम करने लग जाती है आके। वैसे भाई हमने जय जय कर लिया, मैं कीरत को बुला रही हूँ मत्था टेकने के लिए। कीरत जल्दी से आओ बेटा, सिम्मू ने भी मत्था टेक लिया, मैंने भी मत्था टेक लिया, आप भी मत्था टेको, चलो जल्दी से आओ, आओ बेटा जल्दी से मत्था टेक लो भगवान जी के आगे। ये तो छोड़ो, पहले मत्था टेको अच्छे से। हाँ वेरी गुड, मत्था टेक लो। हाँ वेरी गुड, दोनों हाथ जोड़ो और कह दो भगवान जी थैंक यू, और हमें अच्छा इंसान बने, हम खूब सारी तरक्कियां बख्शे, हम हमें बख्शना। हाँ ठीक है। क्या करा आपने बेटा, है घर जलाओगे आप इस हिसाब से? तो देखिए भाई सिमू ने क्या करा, हम मम्मी आगे वाले टीवी आगे कमरे में टीवी देख रही थी और मैं गूंद रही थी आटा, और इसने जोत का पैकेट उठा के एक जोत यहाँ गिड़ दी, एक जोत यहाँ गिड़ दी और एक उसके अंदर रख दी, देख लो। और जोत जग रही है जबकि, और अगर थोड़ा सा भी आग लग के और वो नीचे गिर जाती तो सारे घर में आग लग जाती। क्या करा है, और अब ऐसा देख रही हो, क्या करा है सिमू, ये क्या करा है ये बेटा, घर में आग लग जाएगी तो मैं ऐसे उठे पुठे काम करोगे, चलो उधर। आज मैं करवा रही हूँ इसको हिंदी यानी कि वर्णमाला का, तो ये मिलान करो करवाना दे रखा है मैंने, और देखते हैं अब कितू मिलान करेगी। अच्छा कितू इस वाले लाइन में बताओ अ से अनार कहाँ लिखा है? ये नहीं, इस वाली लाइन में रो में बताओ अ से अनार कहाँ है? नहीं, और इस वाले में अ से अनार कहाँ है उसके साथ मैच करो उसे, कहाँ अ से अनार? हाँ तो उसको इससे मिलान करो, सर्कल खींचो लंबा, लाइन सर्कल नहीं लाइन करना है, लाइन सॉरी लाइन खींचो, इसको मिलाओ आ से, आ को आ से मिलाओ, चलो अटैच करो उसे। वेरी गुड, ये क्या है बताइए, यहाँ पे देखो बड़ी से, पता तो है आपको, बड़ी से इमली, बड़ी से ईख, ईख बड़ी से ईख, ये लिखा ना इस वाली लाइन में, बड़ी से ईख कहाँ लिखा है बताओ? ये तो छोटी छोटी से इमली है, बड़ी से ईख बताओ कहाँ? देखो सर्च करो पहले, ये देखो मम्मी ये क्या है? ये तो ए से एडी, बड़े से अनक है बेटा, ए से एडी नहीं है, बड़ी से ईख देखो कहाँ लिखा है, ये छोटी से इमली है, ये लिखा बड़ी से ईख, अब बड़ी से ईख को बड़ी से ईख के साथ मिलाओ, ये रही, हाँ ओसे ओखली को मिलाओ, ओसे ओखली के साथ मिलाओ, मिलाओ कहाँ ओसे ओखली, नहीं ये तो ओसे औरत है, ये है ओसे ओखली, ये ओसे ओखली है ना यहाँ पे, अब मिलाओ ओक से ओखली को, कहाँ मिला रहे हो,